तुलसी का पौधा एक ऐसा पौधा है जो सभी लोग अपने घर में लगाते हैं और काफी ज्यादा लाभकारी भी होता है। आयुर्वेद की दृष्टि से और अध्यात्म की दृष्टि से यह बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होता है, बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण को भी यह पौधा अति प्रिय था और इस पौधे को सभी लोग अपने घर में भी लगाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक ऐसे खास प्रयोग के बारे में हम आपको बताएंगे कि अगर आपके जीवन में धन की बहुत ही ज्यादा समस्याएं रहती हैं, सुख और समृद्धि आपके घर से बिल्कुल गायब ही हो गई है और मन में अगर 24 घंटे ही विचार चलते रहते हैं, तो ऐसे में इस खास प्रयोग को करके लाभ उठाया जा सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा प्रयोग है जो मन को बहुत ही ज्यादा अद्भुत शांति की प्राप्ति करवाता है। तो ध्यान से इस वीडियो को आप देखते रहें। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जय श्री राधे अवश्य ही लिख दें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन भी अवश्य ही दबा दें, जिससे इसी प्रकार की खास जानकारी वाले वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें। तो दोस्तों, आपको बता दें कि तुलसी का जो पौधा होता है वह सभी लोग अपने घर में तो लगाते ही हैं और रोजाना उसकी पूजा पाठ भी अवश्य ही करते हैं, लेकिन फिर भी काफी लोगों के घरों में बहुत ही ज्यादा ग्रह कलेश होता है, सुख समृद्धि बिल्कुल भी नहीं आ पाती है। तो आपको बता दें कि कृष्ण मंदिर में अगर आप एक खास तिथि पर खास क्रियाओं को करते हुए तुलसी का पौधा दान कर देते हैं या फिर वहां पर चुपचाप लगाकर आ जाते हैं, तो इससे बड़ा ही ज्यादा लाभ की प्राप्ति होती है। तुलसी के पौधे में एक ऐसी अद्भुत गजब की शक्ति होती है कि वह आसपास की वायु को बिल्कुल शुद्ध कर देता है। बल्कि जो कोई भी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को रोज 5 पत्ते तुलसी का चढ़ाता है, उसका नसीब और किस्मत बहुत ही ज्यादा जल्दी बलवान हो जाती है। अगर आपके जीवन में धन की बहुत ही ज्यादा समस्याएं हैं, तो कल से ही आप इस खास प्रयोग को करना शुरू करें कि रोज केवल नहाने के बाद ही आपको तुलसी के पत्ते तोड़ने हैं। पहले तो आपको तुलसी के पौधे में जल चढ़ाना है और तुलसी के 5 पत्ते आपको तोड़ लेने हैं, और यही 5 पत्ते आपको भगवान श्री कृष्ण को अपने घर के मंदिर में चढ़ाने हैं। ऐसा अगर आप रोज करते हैं, तो इससे उस व्यक्ति के जीवन में धन, सुख और समृद्धि काफी गुना अधिक बढ़ती ही चली जाती है और वह जो चाहता है उसके जीवन में निश्चित ही आता है। अब दूसरी चीज ये है कि काफी लोग गलतियां ये करते हैं कि उनके घर में तुलसी का पौधा होता है और बिना नहाए तुलसी को ऐसे ही छूते रहते हैं, तो इस गलती को आप बिल्कुल भी ना किया करें, क्योंकि ऐसा करने से जीवन में दुर्भाग्य बहुत ही ज्यादा तेजी से शुरू हो जाता है। छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो काफी लोग ध्यान नहीं रखते हैं, लेकिन तुलसी का पौधा बिल्कुल देवीय स्वरूप माना जाता है और तुलसी के पौधे को भी बिल्कुल आपको ऐसे रखना चाहिए जैसे आप अपने घर के मंदिर को रखते हैं। अब तीसरी चीज ये है कि किसी भी कृष्ण मंदिर में जाकर अगर आप तुलसी का पौधा लगाकर आ जाते हैं अपनी जन्म तिथि के अनुसार, तो इससे काफी ज्यादा अधिक लाभ की प्राप्ति होती है। लेकिन आपको करना किस प्रकार है, बिल्कुल आप ध्यान से सुनते जाएं। आपको ऐसा करना है कि जो आपकी जन्म तिथि है, जिस दिन भी आपका जन्म हुआ था, आप अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि आपका जन्म हिंदू कैलेंडर के अनुसार कौन सी तिथि में हुआ था। जैसे द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, इस प्रकार की तिथि होती है, वो तिथि आप अपने जन्म तारीख के अनुसार निकाल लें और कौन से पक्ष में आपका जन्म हुआ था, कृष्ण पक्ष में, शुक्ल पक्ष में, ये भी आप देख लें। और बस फिर हर महीने वह तिथि भी आती है, वह पक्ष भी आता है, उसी पक्ष पर, उसी तिथि पर भगवान कृष्ण के मंदिर में आप तुलसी का पौधा लगाकर आ जाएं। अब ये बात ध्यान रखनी है कि कुछ दिन जाकर लगातार उस पौधे को जल आपको देना है, बाद में आप इसे छोड़ सकते हैं। जैसे जैसे पौधा बड़ा होता जाएगा, वैसे ही सुख और समृद्धि भी आपके जीवन में बढ़ती ही चली जाएगी और आप जो चाहेंगे वो चीजें आपके जीवन में निश्चित ही आने लग जाती हैं। और ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, यह प्रयोग कोई भी कर सकता है। अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा रोगी रहता है, ठीक नहीं हो पाता है, या उसके जीवन में बहुत ज्यादा परेशानी होती है और लाख प्रयास करने के बाद भी मेहनत का लाभ नहीं मिल पाता है, या फिर अगर घर में ग्रह कलेश बनता है, तब ऐसे में तुलसी का पौधा भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में लगाना चाहिए। इतना करने से ही बहुत ही ज्यादा लाभ की और सुख समृद्धि घर में बढ़ती ही चली जाती है, संपूर्ण कष्ट बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में कोई और समस्याएं हैं, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिख दें, आने वाले वीडियोज में उन समस्याओं के ऊपर निश्चित ही बताया जाएगा। इस खास जानकारी को अन्य लोगों के साथ भी अवश्य शेयर कर दें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें और आपके गुड कर्माज बढ़ सके, क्योंकि जब आप शेयर करते हैं तो इससे आपके गुड कर्माज बढ़ते हैं और दूसरे लोगों की मदद होती है। तो आज के लिए केवल इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।